ही लैम ट्रिप। भाई ये कौन सा विदेशी कुत्ता है? अरे ये एक देसी कुत्ता है। क्या बात कर रहे हो, आप लोगों को भी ये विदेशी कुत्ता ही लग रहा होगा, लेकिन ये इंडियन ब्रीड का कुत्ता है। और ऐसे और भी मैग्निफिसेंट कुत्ते हैं हमारे देश में, लेकिन लोग उनके बारे में जानते भी नहीं है। तो मेरा आज का वीडियो होने वाला है इसी मुद्दे पे, और मैं आज लेके आया हूँ ऐसे कुत्तों के लिस्ट और उनकी प्राइस भी। और इसी सोच को रीस्टैब्लिश कर दिया मोदी जी ने अपनी मन की बात में। आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। अगर आपने मेरी पहले और भी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता ही होगा कि हम स्वदेशी चीजों को प्रमोट करते हैं, और आज का हमारा मुद्दा होगा स्वदेशी कुत्ते। तो और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हमारे स्वदेशी कुत्ते किसी भी एंगल से विदेशी कुत्तों से कम नहीं है। लिस्ट में सबसे पहले बारी आती है कन्नी की। दिखने में ये पूरी तरह से काले होते हैं, लेकिन छाती और पैरों पे सफेद पैचेस होते हैं। ये डॉबरमैन के समान ही दिखता है। इन नस्लों का इस्तेमाल हिरन का शिकार करने के लिए किया गया था, क्योंकि ये अपने पैरों से बहुत फुर्तीले और हल्के होते हैं। इन्हें ट्रेन करना आसान होता है, पर ये आजकल एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच चुके हैं। ये आपको 5500 रुपए में मिल जाएंगे। लिस्ट में अगला नंबर है मुधोल हाउंड का। अब इन्हें कारवान हाउंड भी कहा जाता है, या पश्मी नाम से भी जाना जाता है। ये कुत्ते मेनली महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। देखने में इनका सर कानों के बीच में चौड़ा और मुंह के बीच में लंबा होता है। इनकी कीमत 6000 रुपए से शुरू होती है। लिस्ट में अगला नंबर है हिमाचली हाउंड का। इसे इंडियन गद्दी भी कहा जाता है। ये मेनली नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। इसे गद्दी नाम की ट्राइब ने विकसित किया था, वहीं से इसका नाम गद्दी पड़ गया। ये भी एक प्रकार की मस्टिफ टाइप की नस्ल है, लेकिन ये भारतीय मस्टिफ की तरह लड़ाकू कुत्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फर वाले कुत्ते पसंद है, तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपए से शुरू होती है। फिर बारी है चिप्पी पराई की। इसे इंडियन साइट हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। मीडियम हाइट का ये कुत्ता होता है, और ये सिल्वर ग्रे, सफेद और काले रंग में पाया जाता है। इनकी पूंछ जो है वो लंबी और घुमावदार होती है। ये मेनली साउथ इंडिया में पेरियार झील के आसपास पाए जाते हैं। ये भी एक पालने लायक कुत्ता है, और इसकी शुरुआत होती है 4500 रुपए से। लिस्ट में अगला नंबर है इंडियन मस्टिफ का। अब इस कुत्ते को बोल्ली नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब रीजन में पाया जाता है, और डॉग फाइट में इस कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वो बैन कर दिया गया है सरकार द्वारा। ये एक बेहद भारी और बड़ा कुत्ता होता है, जिसका वजन 70 किलो तक हो सकता है। और अगर आपको सेंट बर्नार्ड या साइबेरियन हस्की जैसे बड़े कुत्ते पसंद हैं, तो ये कुत्ता आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। ये आपको 6000 रुपए में मिल सकता है। लिस्ट में अगला नंबर है कॉम्बाई का। अब इन्हें इंडियन बियर हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। यह राज पलायम की तरह ही दिखता है, बस इसके मुंह पर एक ब्लैक कलर का मुखौटे जैसा आकार होता है। यह कुत्ता अपने दिलकश स्वभाव और ज्यादा एक्टिव होने के लिए जाना जाता है। यह मेनली साउथ इंडिया में ही पाया जाता है। अगर आपको गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर जैसे कुत्ते का नेचर पसंद है, तो कॉम्बाई आपको बिल्कुल पसंद आएगा। ये एक बहुत ही एंशियंट नस्ल है, जिसका इस्तेमाल शिकार और रखवाली के लिए किया जाता था। आप इसे कम से कम 4000 रुपए में भी पा सकते हैं। लिस्ट में अगला नंबर इंडियन स्पिट्स का है। अब स्पिट्स एक छोटे आकार का कुत्ता होता है, और यह पोमरेनियन कुत्ते की तरह ही दिखता है। यह कुत्ता भारत में सबसे लोकप्रिय कुत्तों में से एक है, खास करके शहरी भारत में, क्योंकि छोटे अपार्टमेंट्स और सीमित आवास में बड़े कुत्तों को पालना मुश्किल हो जाता है। इसे आप कम से कम 2000 रुपए में भी ले सकते हैं। हमारे लिस्ट में अगला नंबर है राज पलायम का। इसे भारतीय प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली साउथ इंडिया में ही पाया जाता है। अब तो इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी भी करने लगी है, कश्मीर बॉर्डर पे नजर रखने के लिए। इस कुत्ते की खास बात है इसकी पिंक नाक और इसकी सुनहरी आंखें, जो इसे भीड़ से अलग बनाती हैं। अगर आप एक यूनिक कुत्ता पालना चाहते हैं, तो आप इस कुत्ते को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इसकी कम से कम प्राइस है 5000 रुपए, और इसके ऊपर और जा सकती है। लिस्ट में अगला नंबर रॉयल रामपुर हाउंड का है। इसको उत्तर भारतीय ग्रे हाउंड भी कहते हैं। ये उत्तरी भारत के रामपुरी क्षेत्र में पाया जाता है, और यह भारत का सबसे प्रसिद्ध नस्लों में से एक है। रामपुर हाउंड भारत के बड़े कुत्तों में से एक है, और ये अपने से बड़े आकार के गीदड़ का भी शिकार कर सकता है। लिस्ट में अगला नंबर है पाई डॉग का। इसे इंडियन पारिया भी कहते हैं,
दिखने में ये मध्यम आकार के कुत्ते होते हैं और इनकी ऊंचाई 20 से 25 इंच तक की होती है। ये भूरे रंग, लाल भूरे रंग और काले रंग में भी पाए जाते हैं। ये पूरे भारत में व्यापक रूप से मिल जाएंगे आपको और ये एक ऐसी नस्ल है जिसको इंसानों ने ब्रीड नहीं किया बल्कि ये प्राकृतिक चयन के परिणाम स्वरूप उभरा है। माना जाता है कि ये नस्ल 15,000 साल से धरती पर है और ये दुनिया का सबसे पुराना कुत्ता भी माना जाता है। ये वही कुत्ता है जो आपके आसपास हर जगह दिखाई देता है आपको और इसे अडॉप्ट करने के लिए आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा किसी को। अब ये थी उन कुत्तों के लिस्ट जिसे आप पाल सकते हैं जो आपके आसपास मिल सकता है। कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं जो अब लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, जैसे कि पश्चिम हाउंड, महरत्ता हाउंड, महाराष्ट्रियन केकड़ी कुत्ता, पांडिकोड़ा, सरायल हाउंड्स। ऐसे जितने भी कुत्ते हैं ये मिलने रेयर हैं आपको, लेकिन अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इन्हें भी पाल सकते हैं। अब हम में से कई लोग हैं जो कुत्ता पालना चाहते हैं लेकिन विदेशी कुत्तों का रख रखाव देख के पीछे हट जाते हैं। अगर आप स्वदेशी कुत्ता पालना चाहते हैं तो उसके कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि उनको बीमारियां कम पकड़ेंगी, रख रखाव सस्ता होगा, इंडियन क्लाइमेट से यूज टू होंगे और सबसे बड़ी बात कि आप उन्हें एक्सटिंक्ट होने से भी बचा लेंगे। आप देख रहे थे हील एम ट्रिप और हम अपने इस चैनल पे अपने देश के रिच कल्चर को बढ़ावा देने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारी छोटी सी मदद करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।